नमस्कार, असम आदित्य समय काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, इसी के साथ गौतम अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। $1.2 अरब कम हो गई। इससे अडानी को फायदा हुआ और वो 12वें स्थान से 10वें पर पहुंच गए। अंबानी अभी भी नंबर 11 के पोजीशन पर हैं। सबसे बड़ा झटका लगा है मार्क जुकरबर्ग को। जुकरबर्ग टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज है वसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा। समग्र राज्य के साथ साथ आज डिब्रूगढ़ एवं चराइदेव जिले के सापेखाती में भी सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई। आज है वसंत पंचमी व सरस्वती पूजा। समग्र देश के साथ साथ असम में भी आज सरस्वती पूजा मनाया गया। डिब्रूगढ़ के ग्राहम बाजार दीपक संघ पूजा कमेटी ने इस बार अपना 52वां सरस्वती पूजा मनाया। हालांकि कोविड स्थिति एवं मौसम की खराबी की वजह से इस बार के पूजा में पहले जैसी चहल पहल नजर नहीं आई, फिर भी पूजा कमेटी ने अपना पूरा योगदान देते हुए इस बार के पूजा का आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर चराइदेव जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं ने विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की। सुबह से ही पूजा मंडपों में छात्र छात्राओं ने पूजा का आयोजन किया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। मुकालमुआ के बामुनबाड़ी में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा संघटित हुआ है। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल होने के साथ साथ एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मुकालमुआ के बामुनबाड़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसा संघटित हुआ है। सरस्वती पूजा देखने आए छात्र ने अपनी जान गवा दी। छात्र की मौत को लेकर तीव्र प्रतिक्रियाएं जारी। सहस्र आक्रोशित छात्र एवं जनता ने सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बामुनबाड़ी शहीद मेमोरियल कॉलेज के 21 वर्षीय छात्र सत्यजीत नाथ की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में राहुल नाथ एवं चंपक नाथ नामक अन्य 2 युवक घायल हो गए हैं। फिलहाल राहुल नाथ नाम के युवक को गंभीर हालत में गुवाहाटी भेज दिया गया है। ये तीनों युवक AS14E8468 नंबर वाले ग्लैमर बाइक से दोलाशाल की ओर से कॉलेज की तरफ जा रहे थे। कॉलेज के सामने ही AS26C5175 नंबर वाले तेज रफ्तार डंपर ने इन तीनों को सामने से टक्कर मारी। ये तीनों युवक बौरखेत्री इलाके के घरुआ बाह के रहने वाले हैं। इधर दोलाशाल पुलिस थाने में दुर्घटनाग्रस्त डंपर ने सरेंडर कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दोलाशाल पुलिस का मौके पर देर से पहुंचने के आरोप लगाते हुए छात्र एवं जनता ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आई है। गाड़ी पिनो पा आई माने इत रखी खुजी तार पास जो बैक आई तार पास हेरी डाम्बर खन फल
তার পিছত এই বেটারী রিক্সা রিক্সা এখন আছিল ক্রস করি আই ফেলে বাইকখন মারি দিছে গুন্ডা। বাইকখন তিনিজন আছিল, তিনিজন আছিল, আগফালে বা গুন্ডা আছে, আগফালে বা গুন্ডা আছে দাম্পারে। তারপিছত তিনটা ইয়াত কি পড়ি আছিল, কিন্তু পুলিশক ফোন মারা তো বহুত দেরির পিছত আইছিল, আহি পোৱা নাছিল পুলিশ। স্পট ডেড, এজন স্পট ডেড আৰু দুজন, মানে এজনৰ আশা নাই আৰু এজনৰ মানে অলপ ভৰিত কি বোলো হেৰি হৈছে, যোনজন মাৰা গৈছে সত্যজিৎ এৰি ঘৰাবা। মুকালমো আছে সুরজিৎ পাঠক কি রিপোর্ট असम आदित्य। आज यानी कि शनिवार को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.7 रही। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में इस भूकंप का केंद्र रहा। जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज यानी कि शनिवार को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.7 रही। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में इस भूकंप का केंद्र था। जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि आज सुबह 9:56 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के दौरान सीलिंग फैन और घर में रखा सामान हिलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अभी तक किसी के जान मान के नुकसान की खबर नहीं आई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। लाहौल थाने के अंतर्गत नौगाघुली में एक 17 वर्षीय छात्रा पिछले 4 दिनों से लापता है। फिलहाल छात्रा के परिजनों ने लाहौल के मोहनबाड़ी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। लाहौल थाने के अंतर्गत नौगाघुली में एक 17 वर्षीय छात्रा के 4 दिन से लापता होने की घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। नौगाघुली के रहने वाले चंदन कर्मकार की बड़ी बेटी पाखी कर्मकार पिछले बुधवार की शाम को जेरोक्स कराने के लिए निकलते ही रास्ते से लापता हो गई। लाहौल कॉलेज के वाणिज्य विभाग के उच्च शाखा की फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा है पाखी कर्मकार। इस घटना के संबंध में लाहौल के मोहनबाड़ी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन फिर भी 4 दिनों से पाखी कर्मकार का कुछ पता न चलने के कारण परिवार के साथ साथ पाखी की मां गहरे शोक में डूबी हुई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 5 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1630 में सिखों के 7वें गुरु हर राय जी का पंजाब के कीरतपुर में जन्म हुआ था। 1916 में हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था। 1922 में चौरी चौड़ा में थाने पर भीड़ के हमले में 22 पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी। इस घटना ने महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन को कुछ समय के लिए पटरी से उतार दिया था। 1924 में रेडियो समय संकेतक GMT का पहली बार प्रसारण रॉयल ग्रीनविच से हुआ था। 1931 में मैक्सिने डनलप पहली ग्लाइडर पायलट बनी थी। 1937 में चार्ली चैपलिन के अभिनय से सजी पहली टॉकी मॉडर्न टाइम्स को रिलीज किया गया था। 1953 में ब्रिटेन में चीनी और इससे बनी उत्पादों के सीमित वितरण का नियम समाप्त हुआ था। 1971 में अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा था। उड़ान के दौरान कई तरह की तकनीकी खराबियां आई थी। 1976 में फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। 1985 में पुर्तगाल के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सांतोस अवीरो है। 1996 में इंग्लैंड में पहली बार GM टमाटरों से बनी प्योरी वहां के बाजारों में बिकनी शुरू हुई थी। 2007 में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली पहली महिला बनी थी। 2008 में महर्षि महेश योगी का निधन हुआ था।
उन्हें भारत के प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं में शुमार किया जाता है। 2010 में भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार का निधन हुआ था। 2014 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भजन गायिका ज्योतिका रॉय का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए असमादित्य, नमस्कार।